जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंचायत सहायकों ने जो है कि विकास खंड अधिकारी वीडियो को वहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने कंप्लेन किया है। और यह कंप्लेन किस चीज़ पे निर्धारित है दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और आप सही जानकारी से रूबरू होते रहें। दोस्तों पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, मैं अपने चैनल से आप सभी तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों ऐसे ही एक बहुत ही बड़ी खबर है, चूँकि वहां के पंचायत सहायक अपने जो वीडियो है उनको ज्ञापन दे के अपनी मांग को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन देखिए आखिर क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। जैसे ही अगर वहाँ कुछ होता है तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में लेके जरूर आऊँगा कि आखिर उनके ज्ञापन देने से क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं क्या है कुछ अपडेट। मानदेय न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने पंचायत सहायकों के ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, नैतिक आवाज ब्यूरो। दोस्तों यहाँ पे महोबा से विकास खंड जैतपुर के अंतर्गत 63 पंचायतों में पंचायत सहायक के पद पर नियुक्तियाँ की गई थी, जिनमें से लगभग 40 पंचायत सहायकों ने विगत 2 माह से मानदेय न मिलने के कारण खंड विकास अधिकारी से मानदेय दिलाए जाने की मांग की है। दोस्तों वहां पे मानदेय नहीं मिला है, जबकि वो अक्टूबर से ही काम कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उनकी नियुक्ति का अनुबंध 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था तथा उसी तिथि से 6000 मानदेय का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन 2 माह के बाद भी मानदेय नहीं दिया गया। पत्र में यह भी दर्शाया गया है कि माह अक्टूबर से कार्य किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में है, उच्च अधिकारियों से बात करके जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस जानकारी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या आप भी समझ सकते हैं कि जब से आपका जो अनुबंध पत्र है जमा हो जाता है, आपकी पेमेंट तभी से शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ से 1 दिसंबर से सबकी पेमेंट दी जाने के लिए यहाँ पे जो आदेश है उसको पारित किया गया था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 दिसंबर से सबकी पेमेंट चालू होने वाली है। लेकिन दोस्तों जहाँ के पंचायत सहायक 1 अक्टूबर से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों जैसे ही जो भी अपडेट आएगी मैं लगातार आप के समक्ष रखूँगा और आप लोगों से रूबरू होऊंगा फिर दूसरी वीडियो में जो भी अपडेट आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।